गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन फर्स्ट, बुक है अपनी हॉर्नबिल। लेसन फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। तो हमने आपके बुक के पेज नंबर 4 के फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़ लिया था, उसे आगे आज अपने स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ लिया था, उसे आगे अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, लेट स्टार्ट। माई ग्रांड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। यहाँ पे लिखा है कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि वह स्कूल मंदिर के बिल्कुल पास स्थित था, यानी कि मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी है, वो हमें अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना के बारे में सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। और उसके बाद में लेखक यानि कि अपने जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो बताते हैं कि जिस दौरान बच्चे बरामदे में दोनों तरफ एक पंक्तियों में बैठकर अल्फ़ाबेट या फिर एक समूह के अंदर प्रार्थना को गाते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए चॉर्स। चॉर्स का मतलब होता है समूह गान, एक समूह के अंदर गायन करना। यानी कि वो कहते हैं कि जिस दौरान बच्चे बरामदे में दोनों तरफ एक पंक्ति में बैठकर या तो अल्फ़ाबेट या फिर एक प्रार्थना का समूह गान कर रहे होते थे, उसी दौरान उनकी दादी माँ अंदर बैठ कर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रही होती थी। स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथ। When we had both finished, we would walk back together। और उसके बाद में कहते हैं कि जब हम दोनों एक साथ समाप्त कर चुके होते थे, दोनों कौन, लेखक और उनकी दादी माँ, we would walk back together, हम साथ साथ वापस चलते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। और इस समय वो गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। और उसके बाद में उन कुत्तों के बारे में बताया कि वे कुत्ते आपस में वहाँ से हमारे घर तक, यानी कि वे कुत्ते हमारे घर तक हमारा अनुसरण करते थे, हमारा पीछा करते थे और आपस में गुर्राते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें फेंकते थे। कहने का मतलब, लेखक और उनकी दादी जो बासी रोटियां अपने साथ लेके जाते थे तो उन्हें उन कुत्तों को डालते थे, तो कुत्ते आपस में एक दूसरे से झपटने के लिए एक दूसरे पे गुर्राते थे और आपस में लड़ते भी थे और ऐसा करते करते वे उनके घर तक उनके साथ साथ आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। इसके बाद में लेखक बताते हैं कि जब मेरे माता पिता शहर के अंदर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए तो उन्होंने हमें बुलाया। दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर का मतलब बुलावा भेजना, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया। किन्हें, लेखक और उनकी दादी माँ को। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और लेखक कहता है कि यह है हमारी मित्रता में एक बहुत बड़ा मोड़ था, टर्निंग पॉइंट यानी कि मोड़, घुमाव लेना। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। यद्यपि हमारे दोनों का कक्ष एक ही था, परंतु मेरी दादी माँ अब मेरे साथ विद्यालय में नहीं जाती थी। कहने का मतलब, वो कहते हैं कि हमारी मित्रता में एक मोड़ आया कि पहले हम साथ साथ विद्यालय जाते थे, वो उस मंदिर के पास था इसलिए वो वहाँ पर अपनी प्रार्थना करती थी, हम भी वहाँ पर कुछ सीख कर आते थे। लेकिन जैसे ही हमें शहर के अंदर बुला लिया गया, हालांकि हमारा रूम तो अभी एक ही था, दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं जा पाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। और लेखक कहते हैं कि मैं वहाँ एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में एक
वाहन के द्वारा विद्यालय में जाता था। कहने का मतलब वो कहते हैं कि मैं स्कूल बस से ही वहाँ एक इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी जो स्कूल था उसके अंदर पढ़ने के लिए जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और यहाँ पे वो बताते हैं कि वहाँ गलियों के अंदर कुत्ते नहीं थे और उन्हें किन्हें दादी माँ को अपने शहर के घर के आंगन में ही चिड़ियों को खिलाना पड़ता था। कहने का मतलब वहाँ पे वो आज़ाद थे, जाते थे तो जो गांव के कुत्ते थे उन्हें रोटियाँ डालते थे, उन्हें खिलाते थे, लेकिन यहाँ पर गलियों में वो नहीं जाते थे और गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने उस शहर के मकान का जो आंगन था वहीं पर चिड़ियों को खिलाना पड़ता था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे वर्ष रोल्ड बाय का मतलब पास्ट, गुजर गए, बीत गए, जैसे जैसे वर्ष बीते हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे, यानी कि उनका मिलना जुलना बहुत कम हो गया। फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो उसने लगातार मुझे जगाना और विद्यालय के लिए तैयार करना जारी रखा। इसकी बात हो रही है यहाँ पे लेखक की दादी माँ की। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और वो बताते हैं कि जब मैं विद्यालय से वापस लौटता था तो वो मुझसे पूछा करते थे कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। आगे I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और लेखक कहता है कि मैं उन्हें इंग्लिश के शब्दों के बारे में और पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा की छोटी छोटी बातों के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के कानून या नियम के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में बताया करता था। This made her unhappy. और यह उन्हें नाखुश करती थी, यानी कि ये बातें जब मैं उन्हें बताता था तो वो खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। यानी कि एक तो दादी माँ इसलिए नाराज़ थी कि वो अपने उस मित्र का सहयोग नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और इसके साथ ही साथ वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली चीज़ों से मैं विश्वास नहीं करती थी। यानी कि शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी कि जो भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में मुझे पढ़ाया जाता था उन पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और इस बात से भी परेशान रहती थी कि वहाँ पर भगवान, ईश्वर या अन्य धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई अध्ययन नहीं करवाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने उन्हें बताया या उनके सामने घोषणा की कि हमें एक संगीत पाठ दिया जा रहा है, यानी कि दिया जा रहा था। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, और ऐसा सुनकर वो बहुत अधिक परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेफ्ट एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत असिस्ट यानी कि अशोभनीय बोल सकते हैं, असिस्ट समूह का कार्य था। यानी कि वो मानती थी कि असिस्ट लोग जो होते हैं जिनमें शिष्टाचार नहीं होता है उनका काम होता है म्यूजिक का। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेड फॉर जेंटल फॉक। और उनका मानना था कि यह यानी कि संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है और ये ठाकुर लोगों के लिए नहीं बने हैं। ठाकुर लोग यानी कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे वर्ग के लोग हैं, उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जेंटल फोक उनका मतलब था कि वो कहते थे ये गाना बजाना नाचना ये सारा काम वेश्याओं और भिखारियों का होता है, अच्छे लोगों का ऐसा कार्य नहीं होता है। इसलिए उनके हिसाब से संगीत है वो अशिष्ट समूह के लोगों का कार्य है। She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा परंतु उनकी चुप्पी का अर्थ असहमति था। She rarely talked to me after that. और इसके बाद वह मुश्किल से मुझसे बातें करती थी।
When I went up to university, I was given a room of my own. और उसके बाद में लेखक कहते हैं कि एक और मोड़ आया जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया, यानी कि अब तक कि मैंने स्कूली शिक्षा को पूरा कर लिया था, उसके बाद जैसे ही मैं विश्वविद्यालय के अंदर गया तो मुझे मेरा स्वयं का रूम दे दिया गया, कक्ष दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और इस तरह से जो हमारी मित्रता के बीच एक आम जुड़ाव था वो भी छिन गया। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशंस विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपनी इस एकांत को स्वीकार कर लिया। रेजिग्नेशन मिस होता है त्याग पत्र, यानी कि दादी माँ ने हमारी जो मित्रता थी उसको त्यागते हुए अपने एकांत को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवंस, वह मुश्किल से ही अपने उस चरखे को छोड़ती थी किसी से बातचीत करने के लिए, यानी कि वह कभी दूसरों से बातचीत नहीं करती थी, केवल अपने चरखे से कार्य करते थे। स्पिनिंग व्हील मतलब लकड़ी का बना हुआ चरखा जिसे सूत काटने का काम किया जाता है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अपने उस चरखे के पास बैठकर अपनी प्रार्थना का उच्चारण करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर के समय वह चिड़ियों को खिलाने के दौरान ही आराम किया करती थी। वाइल सी सेट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, जिस दौरान वह बरामदे में बैठकर उन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा करती थी, सैकड़ों छोटे पक्षी वहाँ आकर एकत्रित हो जाते थे और वास्तविक चहचहाते हुए वास्तविक हंगामा करते थे। ए वेरिटेबल बेडम ऑफ चिरपिंग, यानी कि चहचहाने के जो उनका पक्षी जब एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और वो किस तरह से कोलाहल करते हैं, तो वहाँ उसके बारे में बताया गया है। सम केम एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, यानी कि प्रेस्ड का मतलब होता है सिट डाउन, बैठ जाना। कुछ आते और उनकी टांगों पर बैठ जाते, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते, यानी कि पक्षी वो उनसे इतने मित्रवत हो चुके थे कि जिस समय वे रोटियां के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें डालती थी तो वो पक्षी उनकी टांगों पर उनके कंधों पर आकर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वह मुस्कुरा देती थी परंतु कभी भी उन्हें डराकर भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह दिन का सबसे प्रसन्नतादायक आधा घंटा उनके लिए हुआ करता था, यानी कि जब वो चिड़ियों को खिला रही होती थी तो यह दिन का उनके लिए सबसे अधिक प्रसन्नतादायक समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने अपने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ अवश्य ही परेशान होंगी। I would be away for 5 years. मैं 5 वर्षों के लिए जा रहा था। And at her age, one could never tell. और उनकी आयु के आधार पर कोई भी नहीं कह सकता था, यानी कि मैं 5 वर्ष के लिए विदेश जा रहा था, इसलिए मैं उनकी इस एज के आधार पर कुछ भी कहना मुश्किल था कि जब मैं वापस आऊँ तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट माई ग्रांड मदर कोड, परंतु मेरी दादी माँ कह सकती थी, यानी कि ऐसी वो जीवित रह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह यहाँ तक कि भावुक नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए मेरे साथ आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उसने ना तो बात की ना ही कोई अपने इमोशंस भाव प्रकट किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ हैं वो प्रार्थना में चलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका दिमाग पूरी तरह से प्रार्थना में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी अंगुलियां अपनी माला के मनकों को गिनने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फॉरहेड, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, उन्होंने चुपके से मेरे माथे को चूमा और जब मैं वहाँ से चला तो मैंने अपने ऊपर उनके उस चुम्बन
के गीले निशान को पाया और सोचा कि शायद यह हमारे बीच का अंतिम शारीरिक संपर्क का संकेत या चिन्ह हो। बट डेट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। मतलब कि जो लेखक ने सोचा था कि अब मैं जा रहा हूँ और दादी माँ ने मुझे चूमा है, तो उनके जो चूमने का जो निशान उनके माथे पर था, उसका जो गीलापन था, उसे लेखक ने माना था कि हमारे यानी कि मेरे और दादी माँ के बीच में शारीरिक संपर्क का अंतिम चिन्ह है, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और लेखक कहते हैं कि 5 वर्षों के बाद मैं वापस घर लौटा और उनसे स्टेशन पर ही मिला। किन से? अपनी दादी माँ से। यानी कि 5 वर्षों के बाद भी दादी माँ वहीं पर थी। शी डिड नॉट लुक एट ए ओल्डर, और वह एक दिन भी और अधिक वृद्ध दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब वो जिस हालात में उन्हें छोड़ के गए थे वैसी ही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अभी भी उनके पास बातें करने के लिए नहीं थी, यानी कि अभी भी उन्होंने कुछ भी शब्द नहीं बोले। जब वो मुझे अपने बाहों में ले रही थी तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो होम सी फेट लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स। यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी उनके लिए सबसे अधिक खुशी के क्षण उन चिड़ियों के साथ थे जिन्हें वह लंबे समय से खिला रही थी और कभी भी उन्हें हल्का सा भी नहीं डांटा था। फ्रिवोलस रिव्यू का मतलब होता है तुच्छ या हल्की सी डांट या फटकार। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने अपने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराने ड्रम को लेकर यानी कि ढोल को लेकर गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। यानी कि कई घंटों तक उन्होंने उस जर्जर ड्रम की खाल को पीटा और घर आए हुए योद्धा के लिए गीत गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उन्हें अत्यधिक तनाव लेने से रोकने के लिए राजी करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मेरे जीवन का वह पहला दिन था कि मैंने उन्हें देखा हो कि उन्होंने अपनी प्रार्थना ना की हो। कहने का मतलब लेखक कहता है कि जब से मैंने उन्हें देखा है, मैंने हमेशा उन्हें प्रेयर बोलते हुए देखा है, लेकिन वो पहला अवसर था जब मैंने उन्हें अपनी प्रेयर करते हुए नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। यह एक सामान्य सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वह ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ इसका अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उनका अंतिम समय पास था। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड वॉमिटेड टू प्रे शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उसने कहा था कि सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसने हमें कहा था क्योंकि उनके जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटे ही बचे हुए थे और वह प्रार्थना करना चाहती थी। वह अब हमसे बातें करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उसका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमारे उस विरोध की अनदेखी की अपेक्षा की। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वह शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी माला को जपने लगी।
Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless fingers. हम कुछ सोच पाते उससे पहले ही उसके होंठ हैं वो चलना बंद हो गए और उनकी निर्जीव अंगुलियों से वह माला गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांतियुक्त पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जानते थे कि वह मर गई थी. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. यानी कि हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतार दिया प्रथा के अनुसार रिवाज के अनुसार यानी कि जैसा कस्टम है उसके अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतार कर भूमि पर उन्हें लिटा दिया और उन पर एक लाल कफन से ढक दिया. श्रोड का मतलब कफन. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों के शोक के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अंतिम funeral का मतलब होता है दाह संस्कार या अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए चले गए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम के समय हम उनके कमरे में एक स्ट्रेचर के साथ यानी कि अर्थी जिसको बोलते हैं अर्थी के साथ उनके दाह संस्कार के लिए उन्हें लेने के लिए गई. द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. सूर्य है वो अस्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से चमका रहा था. वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड हम आंगन के बीचों बीच रुके. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. संपूर्ण बरामदे के अंदर और उसके कमरे में बिल्कुल ठीक वहीं से जहाँ वह मृत लेटी हुई थी और वहाँ तक जहाँ उसे लाल कफन के अंदर लपेट कर रखा गया था हजारों चिड़ियाएँ या हजारों पक्षी हैं वो फर्श पर अलग अलग बैठे हुए थे. देयर वाज नो चिरपिंग और वहाँ किसी तरह की चहचहट नहीं थी यानी कि वो बिल्कुल शोकग्रस्त बैठे हुए थे. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम. हमने उन पक्षियों के लिए खेत प्रकट किया या दुख महसूस किया और मेरी माँ उन्हें खिलाने के लिए कुछ रोटियाँ लेकर आई ब्रेड लेकर आई. शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा. द वे माई ग्रांड मदर यूज टू उस तरीके से जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी. एंड थ्रू इट टू देम और उन्हें उनको फेंक दिया यानी उन पक्षियों को फेंक दिया. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड और उन चिड़ियाओं ने उस ब्रेड की तरफ या उन ब्रेड के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. वैन वी कैरिड माई ग्रांड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली जब हम मेरी दादी माँ के उस लाश को लेकर जा रहे थे तो वे चुपचाप वहाँ से उड़ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन और अगली सुबह झाड़ू वाले ने उन ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन के अंदर डाला यानी कि चिड़ियाएँ जो भी पक्षी उनसे बहुत अधिक गहरे जुड़ गए थे वो भी उस दादी माँ की मृत्यु से बहुत दुखी थे इसीलिए उन्होंने उस दिन भोजन को ग्रहण नहीं किया था. आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा. आज के लिए इस लेसन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.